अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। तारीख बताती है कि रावलपिंडी शहर कई बार उजड़ा और आबाद हुआ। कभी इस पर बाइख्तियार हुक्मरानों की हुकूमत रही तो कभी ये दूसरों का बाजगुजार रहा। पहले ये गखड़ों और बाद में सिखों की अमलदारी में शामिल रहा, लेकिन इसकी किस्मत उस वक्त जागी जब अंग्रेज़ों ने 1849 में इस पर कब्ज़ा करके इसका इलहाक बरतानवी राज के साथ किया। वो अपनी ताकत के बलबूते और इस छोटे से शहर को मजबूत फौजी मरकज बनाने की वजह से जदीद रावलपिंडी के मामार कहलाए। लेकिन 19वीं सदी के आखिर में रावलपिंडी के मंजरनामे पर जिस शख्सियत ने राज किया उसे ज़माना सरदार सुजान सिंह के नाम से जानता है। उसका सिलसिला नसब बाबा गुरु नानक और सरदार मलखा सिंह थलापुरी से मिलता था, जिसे 1766 में न सिर्फ रावलपिंडी की बुनियाद रखी बल्कि पोठोहार का पहला सिख हुक्मरान भी रहा। सुजान सिंह के वालिद सरदार नंद सिंह ने शहर में फलाही सरगर्मियों में नाम कमाया। सरदार साधु सिंह भी उसी खानदान से था जिसने शाह अल्लादित्ता में साधु बाग लगाया, जो आज भी मौजूद है। इसी सरदार साधु सिंह का बेटा बुधा सिंह था, जो सरदार सुजान सिंह का दादा था। सुजान सिंह खानदान ने शहर में मफादे आमा की कई इमारतें बनवाईं, जिनमें से एक बाग सरदारम भी था। 6 एकड़ पर मुहित ये बाग राजा बाजार से पीर बधाई जाने वाले मौजूदा गजनवी रोड और पुराने किले को जाने वाले शाह अल्लादित्ता रोड के दरमियान वाक़ था। ये दोनों सड़कें ट्रैफिक से अटी और रश से भरी रहती हैं। वैसे तो इस इलाके का नाम आज भी बाग सरदारा ही है, लेकिन अब ये कंक्रीट का जंगल है जिसमें जिंदगी हर दम रवा दवा रहती है। हाँ, अगर नहीं है तो बाग सरदारा नहीं है जो कभी इस शहर का सबसे बड़ा तफरीही मकाम हुआ करता था। बाग मैंने देखा है, बहुत बड़ा बाग था, बहुत अच्छा बाग था शहर के दरमियान में। अब तो उसकी कोई चीज़ सलामत नहीं रही। मैं तो उस वक्त छोटा था, अब मेरे बुज़ुर्ग बताते थे कि यहाँ सोहन सिंह और मोहन सिंह के ये बाग था। उनकी शादी भी जब हुई तो पूरी पिंडी को उन्होंने दावत दी। ये जो पुराना किला है ना, इसके ऊपर चढ़ाई पे जाए ना आप, तो यहाँ पे किसी ज़माने में अंग्रेज़ दौर में घोड़ों का इस्तबल होता था और उसके आगे कलाम बाज़ार जो था, जिसको छप्पर बाज़ार कहते थे। ये बाग सरदारा के दरमियान बना टेंपल कॉम्प्लेक्स है, अपने वक्त की अजीमुशान इमारत। क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ राम राम की सदाएं बुलंद हुआ करती थी, दशहरे और दिवाली की तकरीबात होती थी, लेकिन अब यहाँ खामोशियों का राज है। कभी रावलपिंडी बुनियादी तौर पर हिंदुओं और सिखों का शहर हुआ करता था, इसलिए यहाँ के गुरुद्वारे और मंदिर रात दिन आबाद रहते थे। लेकिन जब ये लोग हिंदुस्तान गए तो उनकी रौनकें भी साथ ले गए। होना तो ये चाहिए था कि हम इन मंदिरों और गुरुद्वारों को अपना तारीखी असासा समझकर इनकी हिफाजत करते। इन्हें आबाद नहीं रख सकते थे तो कम अज कम महफूज ही रखते, लेकिन शायद अपने कल की हिफाजत हमारी फितरत नहीं। चुनाचे बाग सरदारा का तमाम इलाका अलाटमेंट की जद में आ गया, कोड़ियों के दाम बिक गया या कब्जा माफिया के हत्थे चढ़ गया। इस बंदर बांट में बा असर या बदमाश अफराद तो एक तरफ, पाकिस्तान के सरकारी इदारे भी पीछे न रहे। अब इस टेंपल कॉम्प्लेक्स की कोई देखभाल करता है, न किसी को इसकी असर नौ बहाली में दिलचस्पी है। इस वक्त ये कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी पुलिस के कब्जे में है, जो इसके वसी सहन को अपने अस्तबल के तौर पर इस्तेमाल करती है, यानी यहाँ उसकी गाड़ियाँ पार की जाती हैं। महजब दुनिया इस अमल को तारीख मस्ख करना कहती है, लेकिन पाकिस्तान में तारीख नाम की अव्वल तो कोई चीज़ ही नहीं, और अगर है भी तो उसे ऐसे ही सरकारी कब्जों के जरिए आम अफराद के लिए नाकाबिल रसाई बना दिया गया है। कहते हैं कि बाग सरदारा में बहुत बड़ी लाइब्रेरी के अलावा पार्क के दरमियान एक क्लॉक टावर भी नसब था, जो हर घंटे बाद बजता था। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जहाद कश्मीर के दौरान यहाँ कबायलियों को ठहराया गया, जो टावर के क्लाक पर निशानाबाजी की मश्क किया करते थे, जिसकी वजह से ये तबाह हो गया। सरदार सुजान के बाग के आसपास भी कई छोटे मंदिर और गुरुद्वारे थे, जो अब रिहायशी मकानों
या दुकानों के बोझ तले दब चुके हैं। कल के बाग सरदारा में जहां बागात, घास के लॉन, बारादरियां, गुरुद्वारा, शादी हॉल और म्यूजियम हुआ करता था, वहां अब हजारों घर, इमारतें, दुकानें, गोदाम, गलियां और मोहल्लों के अलावा कीचड़ और गंदगी से अटी गलियां और गर्द आलूद सड़कें हैं। इसमें कोई शक नहीं कि रावलपिंडी एक तारीखी शहर है जो सदियों से आबाद है, लेकिन शक इसमें भी कोई नहीं कि वो तारीख जिसे फख्रिया तौर पर दुनिया के सामने पेश किया जाना चाहिए था, इन्हीं सड़कों और गलियों में किसी अपाहज की तरह सिसकियां लेती और अपने अरूज के दिनों पर नौहर करती दिखाई देती है। अब इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।